नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। दोस्तों, आज का वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड। हमने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देखना है, साथ ही साथ आपको आंसर बताना है। आंसर हम आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद बताएंगे। आप क्वेश्चन देखिए और आपको गेस करना है आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जिससे हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा है कि मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। पर्यावरण में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आया, मान लीजिए आप सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण में अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन आया कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूपी टेट के एग्जाम्स में आया भी है ये क्वेश्चन। तो कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनी ईंधनों में पर्यावरण स्नेही गैस माना जाता है। जो वाहनी ईंधन होते हैं, जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, तो वो एक ठू गैस होती है, एक गैस होता है जिसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण स्नेही गैस माना जाता है। तो उस गैस का आपको नाम बताना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा आपके एग्जाम में अगर आया ये, तो क्या लिखेंगे आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर लिखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? परितंत्र आप लोग जानते हैं, जैसे कि आपका जो क्षेत्र होता है, आवरण होता है, तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर का क्या बताएंगे? तो आपका आंसर है जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक, आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? जीव भू रासायनिक चक्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? आपको बताना है, पौधे जो होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकणों में। परागकण में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो जैविक समुदाय होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, उन्हें मतलब वो क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो आपको इस तरह से बताना है, इसके बारे में सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? देखिए, जो बांध होते हैं उसमें से एक बांध ऐसा होता है जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है भूकंप के द्वारा। तो आपको उस बांध का नाम बताना है, वो कौन सा बांध है जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो उसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो होता है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? देखिए, जो जंतु होते हैं मर जाते हैं ना, तो उन पर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे भी क्या होते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण में आपके अगर से क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सोचिए और बताइए। और आपका आंसर है स्क्वेंजर। ठीक, स्कैवेंजर जो होते हैं क्या होता है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? आप बताइए क्या होगा, हवा में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? आपको पता भी हो शायद इसके बारे में, तो होता है लगभग 21%। लगभग 21% क्या होती है, ऑक्सीजन हवा में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हर एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, तो मनाया जाता है 16 सितंबर। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको हमें इस आंसर को कमेंट में बताना है। तो आपका आंसर क्या है,
आपका आंसर क्वेश्चन ये है, ठीक है? आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। सीएनजी, आपको बताना है सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।